हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे डीएसटी का एक टॉपिक लॉजिक गेट। लॉजिक गेट में मैंने बेसिक गेट एंड यूनिवर्सल गेट पे चल रहा था। यूनिवर्सल गेट में मैंने नैंड गेट को एक्सप्लेन किया था। आज मैं एक्सप्लेन करता हूं आपका नॉर गेट। नॉर गेट मेरा आज का टॉपिक है। नॉर गेट ठीक है। तो आप इसका सबसे पहले सर्किट देखिए कि नॉर गेट कैसे बनाते हैं। ये देखिए, आपने ये ले लिया, एक मिनट, तो नॉर गेट हमने अभी आपको बताया कौन सा गेट, एंड गेट बताया। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं इस तरह से कर दूं, यहां पे एक स्विच ले लूं, इस तरह से कनेक्ट कर लूं, ठीक है, और ये बल्ब लगा लूं, वाई स्विच ए है, स्विच बी है, ये आपका इनपुट वी आई, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा, अगर स्विच ए एंड बी है तो क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है। स्विच ए एंड बी है तो क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है। दोनों ऑफ होंगी, एक ऑफ होगी, एक ऑन होगी, ये ऑन होगी, ये ऑफ होगी, या दोनों ऑन होगी, इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं। तो आप देखिए, एक भी स्विच ऑन होगी, एक भी स्विच ऑन होगी, ठीक है, तो एक भी स्विच ऑन होगी तो बल्ब आउटपुट नहीं मिलेगा, मतलब जीरो, यहां भी जीरो, यहां भी जीरो। ये देखिए, दोनों स्विच ओपन रहेंगे तब आउटपुट क्या मिलेगा, वन। तो एक भी अगर स्विच वन है तो आउटपुट क्या मिलेगा, जीरो। दोनों स्विच अगर ओपन है तो आउटपुट क्या मिलेगा, वन। तो इस लॉजिक को फॉलो करने वाला ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट, आप ऑब्जर्व करिए, और गेट का जस्ट अपोजिट है, क्लियर। तो इसलिए आर लॉजिक पे कॉम्प्लीमेंट लगा दिया गया। तो ये इसका सिंबल बना, वन प्लस ए, मैं बुलियन एक्सप्रेशन बना, वाई इक्वल टू ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट। इसका सिंबल बना क्या, सिंबल ये देखिए, मैं कैसे बना सिंबल के लिए, सिंबल आपका है नॉर गेट। कौन सा है, नॉर गेट। तो नॉर गेट किससे मिलके बना है, ये और गेट और प्लस आपका है नॉट गेट, दो गेट से मिलके बना है, नॉर और गेट प्लस नॉट गेट। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, और गेट के बारे में हमको पता है, और गेट हमका सिंबल ऐसा है, हमने और गेट बना दिया, यहाँ पे ए लिख लिया, यहाँ पे बी लिख लिया, और यहाँ पे नॉट गेट एक लगा दिया, क्या लगा दिया, नॉट गेट लगा दिया, ठीक है। तो आप ऑब्जर्व करिए कि इन सब का इक्विवेलेंट जो है, इन सब का इक्विवेलेंट जो है, ये हमारा यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, ये आएगा ए प्लस बी आएगा, क्या आएगा, ए प्लस बी आएगा, क्लियर, ए प्लस बी आएगा, क्लियर। तो ए प्लस बी आएगा तो वाई इक्वल टू क्या हमारे पास हो जाएगा, ए प्लस बी, ठीक है। तो इसको देखो, आप सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, होल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, और इन दोनों को मिला के आपका नॉर गेट का सिंबल बनता है। वो सिंबल कैसे बनता है, ये देखिए, यहाँ पे एक बबल लगा दिया जाता है, बबल मतलब आपका नॉर गेट का जो बबल है वो यहाँ पे लगा दिया जाता है, और ये इनपुट ए हो गया, ये आपका बी हो गया, और ये वाई इक्वल टू हो गया ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट हो गया। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, ठीक है। तो ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब आइए ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, ये होल कॉम्प्लीमेंट होगा। अब देखिएगा मेरी बात को, इसको मैं थोड़ा सा और आगे एक्सप्रेस करता हूं। ये वाई इक्वल टू आपने अभी किया है ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अगर चेंज द साइन, ब्रेक द लाइन करें हम, चेंज द साइन, साइन क्या है, प्लस, क्या हो जाएगा, डॉट,
चेंज द साइन, ब्रेक द लाइन, तो ये ब्रेक कर दिया, ये देखिए ये बन गया। तो आप बताइए ए प्लस बी तो ये बनाए हैं, ए बार बी इसको मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं, ये देखिए ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, यहां से ये देखिए मैंने एक एंड गेट ले लिया, एंड गेट पे मैंने यहां पे ए लिख लिया ए, और यहां पे एक बबल लगा दिया, बबल, बबल्स का मतलब होता है नॉट गेट। तो यहां से ए सिग्नल चला और यहां कॉम्प्लीमेंट फेंकेगा, ए कॉम्प्लीमेंट आएगा। सेम इसी तरह से सिमिलरली मैंने यहां पे एक और बबल लगा दिया, देखिए ये आउटपुट क्या देगा, बी बार देगा, दोनों का यहां पे आउटपुट क्या आएगा, ए आएगा, ए बार डॉट बी बार, या इसी को हम क्या कर सकते हैं, चेंज द साइन ब्रेक द लाइन, ये देखिए ये इसके इक्वल है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो मेरा नॉर गेट है, नॉर गेट का सिंबल है, नॉर गेट इज इक्विवेलेंट टू बबल्ड एंड गेट, मैं आगे इसको यूज करूंगा, बबल्ड एंड गेट, नॉर गेट जो होता है बबल्ड एंड गेट के इक्वल होता है। तो ये देखिए नॉर गेट इक्विवेलेंट टू बबल्ड एंड गेट, ये दोनों इक्वल है, क्लियर, नॉर गेट इक्वल टू बबल्ड एंड गेट, ये दोनों इक्वल है। आप इसमें थोड़ा सा, तो अब इसमें और आपको मैं बताऊं कि ये भी आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है बट आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, जैसे कि नैंड गेट करता है, नैंड गेट की भी नहीं करता है, ये भी नहीं करता। तो वाई इक्वल टू ए, जैसे फॉर एग्जाम्पल ए और प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, तो किसके इक्वल हो सकता है, बी प्लस ए का होल कॉम्प्लीमेंट, दोनों बराबर है, ए इंटरचेंज कर दीजिए, ए को बी लिख दीजिए, बी को ए लिख दीजिए, फिर तो आउटपुट में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अभी मैं तुम लोगों को बताया कि अगर मैं ऐसा करूं ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट प्लस सी कर दूं, क्लियर, का होल कॉम्प्लीमेंट अगर ऐसे लिख दूं, ए प्लस और बी प्लस सी का होल कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट कर दूं, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, क्लियर। तो ये हमने बताया आपको कि इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, फिर हमने ये दो प्रॉपर्टी और है, ये देखिए एंड नॉर गेट का, अगर एक इनपुट आप जीरो कर दीजिए, ग्राउंड कर दीजिए या जीरो कर दीजिए, तो ये देखिए ध्यान दीजिएगा क्या चेंज हो रहा है, ठीक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये जीरो कर दीजिए जीरो पे, तो आप जानते हैं और नॉर गेट का एक भी इनपुट, दोनों इनपुट जीरो होगा तब आउटपुट वन देगा, अगर एक भी इनपुट वन है तो आउटपुट वन देगा, तो दोनों इनपुट जीरो है तो ये क्या देगा, जीरो देगा, यहाँ पे वन है तो क्या देगा, एक भी इनपुट वन है तो आउटपुट क्या देगा, वन दे रहा। देखिए आप यहां से ऑब्जर्व करिए, ठीक है, तो आप ऑब्जर्व करिए, जब यहाँ पे आप ए देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आपने जीरो दिया, जीरो दे रहा है, वन दे रहा है तो वन दे, ये देंगे तो क्या आएगा, ए ए देगा, क्लियर, कंफर्म हो ए देगा कि ये कॉम्प्लीमेंट देगा। अरे भाई आप भी, मैं आपको बताया वाई इक्वल टू क्या होता है इसका, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, तो y इक्वल टू एक जीरो कर दिया, जीरो मतलब b कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब b कॉम्प्लीमेंट, b कॉम्प्लीमेंट मतलब किस तरह बिहेव कर रहा है, इन्वर्टर की तरह बिहेव कर रहा है, किस तरह बिहेव कर रहा है, इन्वर्टर की तरह बिहेव कर रहा है, इन्वर्टर मतलब आपका नॉट गेट की तरह बिहेव कर रहा है, ये ध्यान दीजिएगा इस प्रॉपर्टी को, नॉट गेट की तरह बिहेव कर रहा है। अगर नॉर गेट का एक इनपुट जीरो है तो ये आउटपुट हमेशा जस्ट दूसरे इनपुट का कॉम्प्लीमेंट देगा। आप देखिए जीरो दिए हैं तो आप दोनों जीरो देती है, दोनों जीरो दिए हैं तो वन आना चाहिए, यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया है, ये वन आना चाहिए, या वन दिए हैं तो ये क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो देखिए जीरो दिए हैं तो वन आ रहा है, वन दे रहे हैं जीरो दे रहा है तो ये देगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट आएगा। तो इस तरह बिहेव लाइक ए नॉट गेट या इन्वर्टर की तरह बिहेव करेगा। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी है, मैं इसको हटा के आगे लिखता हूं, दूसरी प्रॉपर्टी देखिए इसकी, दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर आपका नॉर गेट है
नॉर गेट है, तो नॉर गेट का एक इनपुट आपने मान लीजिए वन कर दिया, फिक्स कर दिया। और ये देखिए ये आपका जीरो दे रहे हैं तो क्या आ रहा है, जीरो पे। ये देखिए एक भी इनपुट आपका वन है तो आउटपुट क्या देगा, आपको जीरो बताया हूं मैं। तो यहाँ पे देखिए फिर वन देंगे तब भी क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे ए देंगे तब भी क्या आ रहा है, जीरो। ये देखिए ये जीरो आ रहा है, तो इनपुट चेंज हो रहा है, आउटपुट डज नॉट चेंज। तो इस इनपुट को क्या बोलते हैं, ये डिसेबल इनपुट। क्या बोलते हैं, डिसेबल इनपुट। इसको क्या बोलते हैं, इनेबल इनपुट। इनेबल इनपुट है ये, ठीक है। तो नॉर गेट के लिए जीरो इनेबल इनपुट है एंड नॉर गेट के लिए वन डिसेबल इनपुट है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी दोनों आप बहुत ध्यान से देखिएगा, जब भी हम लैच फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट जो थर्ड यूनिट है तो उसमें इसको यूज करूंगा मैं, क्लियर। तो नॉर गेट में आपने ये समझा कि नॉर गेट कैसे बनता है एंड कैसे उसको इंप्लीमेंट करते हैं। अच्छा देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू आप जानते हैं ए प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट है, तो आप जानते हैं वाई इक्वल टू ये कि अगर मैं वन कर दिया, वन प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, तो वन प्लस एनीथिंग इक्वल टू क्या होता है, वन। तो ये बताइए क्या हो जाएगा, वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो, ठीक है। कैसे, ये देखिए एक प्रॉपर्टी में बताऊंगा बुलियन में, वन प्लस एनीथिंग, वन प्लस एनीथिंग आगे मैं इसको बताऊंगा इक्वल टू क्या होता है, वन। वन प्लस एनीथिंग इक्वल टू क्या होता है, वन। तो इस चीज को आप देखिएगा, वन प्लस एनीथिंग इक्वल टू वन, तो वही लॉजिक मैं याद लगाया। तो यहाँ पे ये जीरो पे ये इन्वर्टर या नॉट गेट की तरह बिहेव कर रहा है, ये वन पे ये आपका जो फिक्स्ड आउटपुट आउटपुट आएगा जीरो, डिसेबल कर देगा, क्लियर। तो आज आपका जो है नॉर गेट, दो यूनिवर्सल गेट हमने कंप्लीट किया, अब आपका बचता है लॉजिक गेट में आपका आपका अर्थमेटिक गेट, ठीक है।